क्या हुआ ऋतिक को? क्यों हुई ऋतिक की ऐसी हालत? अपने पोस्ट में आखिर क्या कहा ऋतिक ने? फैंस को हो रही है ऋतिक की चिंता। देख लीजिए ऋतिक की ये हालत, जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीर में, जिसमें ऋतिक कमर में बेल्ट बांधे और बैसाखी पर खड़े नजर आ रहे हैं। ऋतिक ने अपनी ये तस्वीर इंस्टा पर शेयर की और बताया है अपना हाल। ऋतिक को बैसाखी के सहारे चलते हुए देखकर फैंस काफी ज्यादा टेंशन में आ गए हैं और बुरी तरह से घबरा चुके हैं। ऋतिक ने बताया है कि आखिर उन्हें क्या हुआ है। इसमें उन्होंने चश्मा लगाया हुआ है और चेहरे पर भी काफी उदासी नजर आ रही है, आप देख सकते हैं इस तस्वीर में। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, फैंस ने ऋतिक का हाल चाल जानना शुरू कर दिया। वो जानने को बेचैन हो उठे कि आखिर उनके फेवरेट एक्टर को हुआ क्या है। ऋतिक ने बताया कि उन्हें जो है वो मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है। ऋतिक ने इसके साथ ही साथ एक लंबा चौड़ा नोट भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बैसाखी के सहारे या व्हील चेयर पर रहने की मजबूरी का एक्सपीरियंस शेयर किया है। आप देख सकते हैं उनका ये नोट जो काफी लंबा चौड़ा है, उन्होंने खास तौर पर अपने पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बताया है। अपनी बेहतरीन बॉडी और गजब के ट्रांसफॉर्मेशन से सबके होश उड़ाने वाले ऋतिक जो है वो हाल ही में नजर आए थे फाइटर में, जिसमें वो बहुत कमाल के लगे। उन्होंने इसमें जबरदस्त एक्शन किया। एक्शन तो वो हमेशा करते ही हैं, लेकिन इसमें वो दमदार एरियल एक्शन करते नजर आए थे। ऋतिक को ड्रॉइंग स्टंट्स के लिए जाना जाता है। वो बहुत सारे स्टंट्स में नजर आ चुके हैं, लेकिन फाइटर में उन्होंने एक और कमाल का स्टंट दिखाया है। इसमें वो दमदार एरियल एक्शन करते नजर आए। ऋतिक ने पोस्ट में जो लिखा है वो हम आपको बताते हैं। ऋतिक ने पोस्ट में लिखा, आप में से कितने लोगों को कभी बैसाखी या व्हीलचेयर पर रहने की जरूरत पड़ी और इससे आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे याद है कि मेरे दादाजी ने हवाई अड्डे पर व्हीलचेयर पर बैठने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो अनजान लोगों के सामने कमज़ोर दिखें। वो खुद की मानसिक छवि को मजबूत दिखाना चाहते थे। मुझे याद है मैंने कहा था, लेकिन डैडा ये सिर्फ एक चोट है और इसका आपकी उम्र से कोई लेना देना नहीं है। ये चोट ठीक करने में मदद करेगा और उसे और अधिक नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऋतिक ने आगे लिखा, ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि अंदर के डर और शर्मिंदगी को छिपाने के लिए उन्हें खुद को कितना मजबूत दिखाने की जरूरत थी। मैं इसका अर्थ नहीं समझ सका, मुझे असहाय महसूस हुआ। मैंने तर्क दिया कि उन्हें बुढ़ापे की वजह से नहीं बल्कि चोट लगने के कारण व्हीलचेयर की जरूरत है। व्हीलचेयर के लिए उम्र का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इनकार कर दिया और अजनबियों के सामने मजबूत बने रहे। इससे उनका जो दर्द है बढ़ गया और इलाज में देरी हुई। इस पोस्ट में फिर ऋतिक ने बताया कि असल में उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने बताया कि क्यों उन्हें बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। ऋतिक ने बताया कि 13 फरवरी की सुबह जब वो उठे तो हिम्मत नहीं जुड़ा पाए, क्योंकि शरीर के निचले हिस्से की मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा खिंचाव आ गया था। लेकिन ये लंबी कहानी है, तब बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। तो ये लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया ऋतिक रोशन ने। फिलहाल फैंस जो हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर होने की कामना कर रहे हैं ऋतिक की। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए गृहलक्ष्मी।